सुनना सर, हम लोग कर रहे थे क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जिससे हमें समझ में आ जाए कि क्या एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की अकाउंटिंग होती है। ठीक है सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट नहीं बनाते बल्कि क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। पक्का कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम। लेकिन लकीली 12th क्लास में हमारे लिए ना तो ट्रेडिंग अकाउंट है कोर्स में, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है सर, तो हमें डायरेक्ट क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और थोड़े और आगे जाकर हम लोग क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है सर, तो अभी हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर आप लोग मेरे लिए क्या कर दो, क्वेश्चंस पढ़ दो। बोलो सर, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? एट्थ नहीं, सेवन्थ है, एट्थ है, बताओ। एट्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर एट देखना इधर पे। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर एट बोलो सर। अमन एंड बोमन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट है सर, इक्वल यानी कि 1:1। पक्का दो पार्टनर है इसलिए 1:1। आगे बोलो सर। बिजनेस इज बीइंग करीम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओनर बाय अमन। फिर से पढ़ना सर, सर फिर से पढ़ो क्या लिखा है। बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मिस्टर। ठीक है सर, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बिजनेस चल रहा है सर, वो कहाँ पर हो रहा है, एक ही प्रॉपर्टी पर हो रहा है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी पर बिजनेस चल रहा है। आगे बोलो। जिसके ऊपर फर्म क्या कर रही है सर, रेंट पे कर रही है। रेंट है फर्म का, रेंट किसको पे कर रही है सर, अमन को, ए को। बोलो कितना, 24,000 एनम बोला है, नहीं भाई 20 ईयरली रेंट बोला है, कितना 24,000 देन इतना, तो अमन को रेंट पे कर रहे हैं 24,000। ठीक है सर, आगे बोलो। अमन को सैलरी मिलेगी 1,20,000 पर एनम। ठीक है, एंड बोमन हैज गॉट कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट सेल्स। बोमन को क्या मिलेगी सर, कमीशन मिलेगी, कितनी कमीशन मिलेगी, 5% 5% ऑन नेट सेल, जितनी भी नेट सेल्स रहेगी उसका 5% इसको कमीशन मिल जाएगा, किसको, बोमन को। आगे बोलो सर। ड्यूरिंग द ईयर वाज 30 लाख सेल्स जिसकी, समझना सर, कमीशन मिलेगा 5% नेट सेल का, जो कि यानी कि नेट सेल्स आपकी दे रखी है कितनी, 30 लाख दे रखी है, साल भर की आपको नेट सेल्स दे रखी है 30 लाख। डन इतना, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बोलो सर। प्रॉफिट दे रखा है कितना, पढ़ो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है। रेंट तो हम लोग हो चुका है यार, बताओ। सुनना सर, क्वेश्चन देखना। अमन वुमन पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था, बिजनेस जो है वो चला रहा था कौन, दोनों लोग बिजनेस चला रहे थे, लेकिन जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बिजनेस चला रहे थे वो एक ही थी, जिससे एग्रीमेंट में हुआ था कि 24,000 रुपये का रेंट देंगे। इसके अलावा एक को हम लोग क्या कर रहे थे सर, सैलरी दे रहे थे, नेट टोटल साल भर की सैलरी थी 1,20,000। उसके अलावा सर वुमन को हम कमीशन देते थे कितना, 5% सेल्स के ऊपर, सेल्स आपकी दे रखी है कितनी, 30 लाख। आगे लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट। रेंट देने से पहले, किससे देने से, क्या देने से पहले, रेंट देने से पहले प्रॉफिट दे रखा है, बिफोर रेंट, बिफोर रेंट कितना दे रखा है रेंट, तो इन्होंने बोला है, सॉरी, रेंट से पहले दे रखा है प्रॉफिट कितना, 5 लाख रुपये। क्या कितना दे रखा है सर, 5 लाख रुपए। हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बहुत ही आसान केस है, क्या है, बहुत ही आसान है, बस देखना सर, समझते जाना। इधर देखो, ये बना दिया हमने क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। हम तो देखा है हमें कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है, कितना 5 लाख रुपए, लेकिन रेंट रेंट से पहले का दे रखा है। अभी 5 लाख में हमने क्या नहीं किया, रेंट पे नहीं किया। तो बात को समझना, हम लोग ने पढ़ा था सर, हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी थी जो थोड़ी थोड़ी हमें याद आ रही है, क्या कि सर हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, मैंने नाम दिया था जिनको, एक को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कहा था सर मैंने, घर के बाहर का अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कहा था मैंने, घर के अंदर का अकाउंट। मैंने क्या कहा था आपसे सर कि सर पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो उसको कहाँ से देंगे सर, घर के अंदर से देंगे। पार्टनर को कुछ भी देंगे कहाँ से देंगे, घर के अंदर से। पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी देंगे कहाँ से, घर के बाहर से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जब हम पार्टनर को पे करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या, वैसे तो सारी चीज़ें लिखते हैं कहाँ पर, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन दो एक्सेप्शन थे। कितने एक्सेप्शन थे, दो। कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, एक था सर रेंट हुआ पार्टनर, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। पक्का इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट हुआ पार्टनर का ट्रीटमेंट घर के अंदर नहीं होता है, कहाँ होगा सर, घर के बाहर होगा। घर के बाहर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। पक्का? तो सर ये जो हमें 5 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, ये कब का दे रखा है सर, रेंट देने से पहले का। तो सबसे पहले तो हम लोग ये को रेंट दे देंगे, कहाँ से देंगे, PNL अप्रोप्रिएशन से नहीं देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। लेकिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का बोला नहीं है, तो क्या करें सर हम, आसान हो गए हमारे लिए क्या सर, 5 लाख का नेट प्रॉफिट है रेंट से पहले, तो डायरेक्ट रेंट माइनस कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं, रेंट माइनस कर देते हैं। रेंट कितना बोल रखा है, बोला था सर 24,000। कितना बोल रखा है, 24,000 पर है ना, मैं क्या तो लिखा हुआ है ऑन बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट, हाँ ठीक है सर, पर है ना ही है। तो माइनस किया हमने रेंट 24,000, कितना माइनस किया 24,000, कितना बचेगा 4,76,000। 4,76,000 अब एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, ठीक है सर, घर के बाहर का ट्रीटमेंट हो गया। अब घर के अंदर कितना प्रॉफिट आएगा हमारे सामने सर, 5 लाख नहीं आएगा, 24,000 का रेंट हटाकर जितना बचेगा वो आएगा, यानी कि कितना आएगा 4,76,000। क्या लिखेंगे, बाय या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 4,76,000। अगर लॉस होता तो यहाँ लिखते, ठीक है सर, और अगर लॉस होता, मान लो लॉस दिया था हमें 20,000 दिया होता लॉस, और रेंट था 24,000, और लॉस कब का है सर, रेंट से पहले का, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर यहाँ पर, समझना बात को, ये क्या है 20,000 क्या है, लॉस है। और मान लो क्वेश्चन में दिया होता कि ये जो लॉस है वो का किससे पहले का है सर, रेंट से पहले का है। तो अब हम लोग यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पहुँचाते तो कितना पहुँचाते, 20,000 नहीं पहुँचाते सर, इसमें से 24,000 का रेंट माइनस कर देते। अरे बोलो कितना माइनस कर देते, 24,000 का रेंट माइनस कर देते, तो कितना आ जाता लॉस हमारा सर, लॉस आ जाता 44,000। कितना आ जाता 44,000, 20,000 का लॉस पहले से, रेंट का और ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गया, इससे लॉस कितना हो गया 44,000। तो यहाँ पर कितना लिखते, 44,000 लिखते। पक्का, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है सर। तो हमारा प्रॉफिट का ट्रीटमेंट तो कर दिया हमने, ये लिख दिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,76,000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे देखना सर। अब सर रेंट की कहानी हो चुकी है, सैलरी देना है सर, पार्टनर को देना है, घर के अंदर आएगा, यहीं लिखेंगे हम क्या, टू अमन सैलरी, टू ए सैलरी, टू ए सैलरी अकाउंट। कितना आ जाएगा सैलरी के रूप में, 1,20,000 लिख दिया सर, 1,20,000। कोई दिक्कत नहीं, सैलरी भी हो गई। कमीशन की बात करते हैं, बोला है 5% ऑन नेट सेल्स, 5% नेट सेल्स के ऊपर, नेट सेल्स दे रखी है 30 लाख, 30 लाख का 5% निकाला सर मैंने, कितने का 30 लाख का, कितना निकाला 5% निकाला, 5 × 3 = 15, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। पक्का कितना आया, 1,50,000। तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, टू बोमन्स कमीशन, यहाँ बी लिख रहा हूँ मैं, आपको नहीं लिखना सर, आपको पूरा नाम लिखना है, टू बोमन्स कमीशन। कितना आ जाएगा, 1,50,000 लिख दिया सर, 1,50,000। कोई भी दिक्कत यहाँ तक, अरे बोलो, सैलरी हो गई, कमीशन भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं।
अब क्या करना है, सिर्फ क्लोज करना है अकाउंट को। देखेंगे कैसे क्लोज करेंगे। सर कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है? सर क्रेडिट के डेबिट, अरे क्रेडिट के डेबिट, क्रेडिट दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 4,76,000। यहाँ भी लिखा मैंने कितना, 4,76,000। इसको टोटल किया 2,70,000। कितना आया ये टोटल दोनों का? 2,70,000। 76 में से 70 गए तो 6,000। 4,06,000 माइनस 2,00,000, 2,06,000। ठीक है सर, यहाँ लिख दिया मैंने कितना बचा है, 2,06,000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ क्या लिखूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा सर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, लिखा मैंने टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, एक के अकाउंट में पहुँचा देंगे और बी के अकाउंट में पहुँचा देंगे। अरे बोलो ना, यहाँ लिखा 2,06,000 ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में। किस रेशियो में? सर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? इक्वली 1:1। ठीक है सर, आधा आधा बांट देंगे। ये देखा 2,06,000 का आधा किया, 1,03,000 और 1,03,000। कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, कोई भी दिक्कत हो पूछो। पक्का लिखो सर, जल्दी लिखो। दिख रहा है पक्का? देखो सही से, देखो दिख रहा है, ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट और क्या क्या लिखा हुआ है, देखो सब दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा? अभी आई डॉक्टर को दिखवाना पड़ेगा। अरे डैन, वोमन नहीं, सैलरी अमन को लिखा इस तरीके से ना, इस साइड जो है वो ए को, इस साइड जो है वो बी को, साइड में सिर्फ यही है। जल्दी कर लो यार, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान है, सब कुछ आसान है।
हो गया। कल्डू नहीं लगाते इधर पर, कल्डू नहीं लगाते। इसके नीचे लाइन भी जो 1,03,000 के, ये 26,000 यहाँ से काटो, काट दो यहाँ से, यहाँ लिखो 2,06,000। ठीक डन। अरे डन सर, पक्का हो गया। आदित्य अगला क्वेश्चन पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये हटा दूँ मैं, बोलो सर। असीम एंड नेहार, नाइन्थ क्वेश्चन है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है सर, देखते जाना, बोलो। कैपिटल दे रखा है, क्या दे रखा है? कैपिटल कितना? 3 लाख और 2 लाख। आगे बोलो। सैलरी मिलेगी किसको? नेहार को। कितनी? 5,000 पर मंथ। 12 महीने की कितनी हो जाएगी? एक महीने की दे रखी है उन्होंने, तो 12 महीने की हो जाएगी कितनी? 60,000। ठीक है सर, आगे बोलो। कमीशन मिलेगी कितनी? 10% ऑफ, 10% ऑफ, नहीं, कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट, ऑन प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी। ठीक है सर, ये दिमाग में रखना है ये चीज़। आगे बोलो। इंटरेस्ट बोला है कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है सर, आगे बोलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया कितना? 3:2। आगे बोलो। प्रॉफिट दे रखा है हमें, फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितना? 2,50,000। ठीक है, सर असीम जो है उसने क्या दिया था? लोन दिया था किसको? फर्म को। कितने का? 1,00,000 रुपए का। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट 8%। जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है कितना? 8% पर एनम। सर अगर कुछ ना दिया होता तब 6% लगाते, अभी दिया है तो उतना लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 8% पर एनम। आगे बोलो। सर हमने क्या किया, हमने क्या किया, फर्म ने, हमने मतलब फर्म ने, फर्म ने क्या किया? लोन दिया किसको? नेहार को। कितना? 2,00,000। 2,00,000 रुपए का सर लोन दिया, ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज, जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, इंटरेस्ट क्या किया गया? चार्ज। कितना? 11,000 रुपये। कोई दिक्कत सर, बात को समझ में आई क्या? सर ए ने लोन फर्म को दिया था 1,00,000, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है 8% पर एनम के हिसाब से। उसके अलावा सर फर्म ने किसको? नेहार को लोन दिया था 2,00,000 का, जिस पे हमने 11,000 रुपये का क्या करा है सर? ब्याज वसूल लिया। आगे बोलो। मैनेजर के बारे में दे रखा है सर कि हमें क्या करना है? मैनेजर को भी कमीशन देना है। हमें क्या करना है? मैनेजर को भी कमीशन देना है। कितना? 3,000 रुपीस पर है ना, पर मंथ, बस इतना ही है। तो टोटल दे रखी है सर 3,000 की कमीशन मैनेजर को देना है, दे देंगे। और पक्का क्वेश्चन दिख गया सर, समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले, अब हमारी यहाँ पे मजबूरी बन गई, हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं दिया, हमें ये दे रखा है फर्म का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन क्या इसमें से अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट घर के बाहर होना है,
कैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं सर देखना। सबसे पहले तो मैनेजर का कमीशन कहाँ पर देते हैं हम लोग, मैनेजर का कमीशन, मैनेजर कौन है, बाहर का बंदा। कहाँ पे देंगे इसका कमीशन, इसका कमीशन देंगे सर घर के बाहर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट सर चार्ज किया है फर्म का, इनकम है ये हमारी, क्या है इनकम। अब ये इनकम जो है सर ये कहाँ की इनकम है, घर के अंदर की इनकम नहीं है, क्यों, क्योंकि लोन बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रीटमेंट कहाँ करना है, घर के बाहर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर या फ्रॉम पार्टनर घर के बाहर ट्रीटमेंट होगा, बाहर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दो चीज़ें दिखी सर। ये असीम को हमने लोन भी दिया था 1,00,000 रुपये का, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट घर के बाहर होगा यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाकी की चीज़ों का ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा। पक्का, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं घर के बाहर का अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखना इधर, ये बनाया हमने, मजबूरी है हमारी बनाना इसलिए बना रहे हैं। बनाया हमने क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। पक्का, कोई भी दिक्कत? इनके हिसाब से नेट प्रॉफिट दे रखा है, वही नेट प्रॉफिट हमने यहाँ प्लॉट किया, लिखा बाय नेट प्रॉफिट कितना ना 2,50,000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब देखना, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, असीम की लोन दिया था 1,00,000 जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 8%। 1,00,000 का 8% कितना होगा, 1,00,000 का 8% कितना होगा, 8,000 रुपये। कितना, 8,000 रुपये। ये कहाँ पर आ जाएगा सर, डेबिट साइड में लिखेंगे क्या यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 8,000 रुपये। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा, ये एन मतलब नेहार, नेहार को लोन दिया था 2,00,000 का जिससे इंटरेस्ट वसूला है 11,000। इनकम है फर्म की, इनकम है कहाँ क्लोज होगी, क्रेडिट साइड में, लिखा है यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 11,000 सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसके अलावा सर ये भी हो गया नेहार का। अब बात करते हैं मैनेजर की कमीशन सर। मैनेजर को कमीशन देना पड़ी, मैनेजर को क्या देना पड़ा, कमीशन पे करना पड़ा। मैनेजर को कमीशन पे करना है, वो भी घर के बाहर से ही होगा, ठीक है सर। मतलब पे कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्लोज होगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू मैनेजर्स कमीशन कितनी, 3,000। पक्का, कोई दिक्कत सर? ये भी हो गया। अब इसके अलावा इसकी कहानी ख़त्म अभी के लिए। कमीशन सर ये कौन है, पार्टनर को मिलना है, पार्टनर को मिलना है कमीशन, नॉर्मल है। कहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, घर के अंदर, यहाँ नहीं होगा। सैलरी ये भी घर के अंदर होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घर के अंदर होगा, बस यही चीज़ है। तो अभी अपन लोग इसको क्लोज कर देते हैं। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड, कितना 2,61,000। यहाँ पे भी लिखा कितना, 2,61,000, माइनस किया 11,000, कितना बचा सर, 2,50,000 बचा है। कितना बचा, 2,50,000। ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। हाँ, 6,000 क्यों होगा माइनस, 2,50 सर, 2,50 प्लस 11,000 कितना हो गया, 2,61,000। 2,61,000 में से 8,000 और 3,000 माइनस किए सर, ये 8 है, मम्मी ने मुझे ऐसे ही बनाने सिखाया था। कितना आया नेट प्रॉफिट आपका, 2,50,000, जो कि कहाँ पहुँचेगा सर, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुँचा देते हैं, बाय नेट प्रॉफिट कितना, 2,50,000। कितना जाएगा, 2,50,000। कोई दिक्कत यहाँ तक, थोड़ी सी नहीं है, चले आगे। अब उसके अलावा अब देखना, सबसे पहले सैलरी दे देते हैं, किसको मिलनी है सर सैलरी, किसको, नेहार को, ठीक है। डेबिट साइड में लिखा हमने क्या, टू नेहार सैलरी कितनी, 60,000। पक्का सर, नेहार को सैलरी दे दी हमने,
कमीशन मिलना है सर किसको? असीम को। कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। कमीशन देना है कब? जो नेट प्रॉफिट होगा उसका, लेकिन सैलरी देने के बाद। सर तो नेट प्रॉफिट है हमारा 2,50,000, इसमें से मनी मन सैलरी हटा दो, 60,000 माइनस किए, कितने बचेंगे? 1,90,000, 1,90,000। कितना कमीशन है? 10%। 1,90,000 का 10% कितना हुआ? 19,000 हो गया। कितना हो गया? 19,000। यहाँ लिख देंगे टू असीम्स कमीशन, कितना? 19,000। फिर से देखो क्या किया सर, फिर से देखना। हमसे बोला था कि हमें कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर सैलरी, सैलरी पे करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकला था एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 2,50,000। 2,50,000 में, किसमें? 2,50,000 में हमें क्या करना है? सैलरी माइनस कर देनी है। सैलरी कितनी है? 60,000। 2,50,000 माइनस 60,000 कितनी आई? 1,90,000। 1,90,000 का 10% निकाला, 19,000। कितना आ गया? 19,000। एक का कमीशन कितना बन गया? 19,000। कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर दिया टिक सर। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। कमीशन हो गया, सैलरी हो गया। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में ही आएगा, लिखा मैंने यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असीम का और फिर नसीर का, निहाल का, जो भी है। अब देखना कितना कितना आएगा। बोला है 6% पर है ना, ए का कैपिटल 3,00,000, 3,00,000 का 6%, 3,00,000 का 6% 18,000, 2,00,000, 2,00,000 का 6%, दोनों का टोटल किया 30,000, 18,000 प्लस 12,000 कितना हो गया? 30,000, 30,000 लिख दिया डेबिट साइड में। पक्का? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। ये भी हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये प्रॉफिट का काम हो गया, लोन हो गया, ये हो गया, ये हो, सब हो गया। पक्का? अब क्या करना है सर? क्लोज कर देते हैं। देखो कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट के क्रेडिट? अरे बोलो, डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट दिख रहा है सर। कितना ज़्यादा दिख रहा है सर? 2,50,000 यहाँ लिखा, 2,50,000 यहाँ लिखा, 2,50,000 दोनों साइड लिखने के बाद इसको टोटल किया, 30,000 प्लस 60,000 90,000 प्लस 10,000 1,00,000 1,09,000। 2,50,000 में से 1,09,000 माइनस किया, कितना आएगा? हाँ, क्या बात कर दी, 10 में 9 का एक बचा, 4, 1,41,000। कितना बचा? 1,41,000 सर प्रॉफिट बचा है, 1,41,000। क्या करना है सर? इसको पहुँचा देंगे कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज अकाउंट और एंस अकाउंट। कितना कितना आएगा? तो 1,41,000 को बांट दो सर 3:2 में, 84,000, और निहार के में? पक्का? कुछ भी दिक्कत हो पूछ लो। 1,41,000 पहले भी बता चुका हूँ, इंटू ए का कितना है? 3 और प्लस 2 कितना हो गया? डिवाइड किया 5 से, ऐसे 1,41,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10, 4 बचे 41, 5 8 40, 1 बचा 10 हो गया, 5 2 10, ठीक है सर। इसी तरीके से इसको भी किया तो कितना? 28,200। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 0, 3 0 0, 3 2 6, 3 8 24 का 4, 2 बैलेंस, 3 2 6 और 2, 84,600। इसको किया 0 0 0, 2 2 4, 2 8 16 का 6, 1 बैलेंस, 2 2 4 और 1 5, 56,400। पक्का? कोई भी दिक्कत? पक्का? हटा दूँ? लिख लो, मजबूरी है।
अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो साइड में प्लस माइनस कर सकते हैं हम, वर्किंग नोट, लेकिन वर्किंग नोट बताना पड़ेगा अकाउंट्स में, तो वर्किंग बताने के लिए अकाउंट से अच्छी चीज़ कुछ और नहीं है। अकाउंट ओपन कर दो आप, हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, हो गया कुणाल डन, तुम्हारा भी क्वेश्चन ही नहीं हुआ कंप्लीट। हाँ सर बोलना, क्वेश्चन पढ़ो, वैसे ही पढ़ो। दोनों ने, भैया एक्स और वाई ने पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने 5 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, आगे बोलो। रुक जाना, दोनों को क्या, दोनों ने डिसाइड किया, उसके बाद दोनों का ये तय हुआ कि दोनों को क्या मिलेगी, 10,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, आगे बोलो। हाँ, और दोनों के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दोनों को मिलेगा वो कितना कितना मिलेगा, 50,000 50,000, आगे। हम चार्ज करेंगे एक्स और वाई से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी, ठीक है, 3,000 और 5,000, ठीक है सर, चार्ज कर लेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में लिखना है वो चीज़। और बोलो, ऊपर से सर फर्म को लॉस हो गया है, कितने का, 2 लाख रुपए का, बात को समझे ना। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे बोलता है कि अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो पार्टनर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब ना तो पार्टनर को सर सैलरी मिलना, ना कमीशन मिलना, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना, लेकिन फर्म से हम लोग चार्ज ज़रूर करेंगे, क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, किससे चार्ज करेंगे, फर्म से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, कितने नहीं की कितने की, कितनी कितनी दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स से हम 3,000 वसूलेंगे और वाई से कितनी वसूलेंगे, 5,000, पक्का। तो देखना और आगे पढ़ो, और क्या है, और कुछ भी इतना ही है, तो देखना करना क्या है हमें, बहुत आसान हो गया सर। सबसे पहले तो लॉस दे रखा है, फर्म का लॉस आया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2, नेट लॉस कितना दे रखा है आपको, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए नेट लॉस लिख दिए डेबिट साइड में। उसके बाद क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितनी कितनी 3,000 और 5,000, उसके अलावा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी नहीं देना, कमीशन नहीं देना, मतलब कुछ भी नहीं देना। फिर क्या करेंगे, देखेंगे हम लास्ट में जाकर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे दोनों साइड को, देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा निकलेगा, कितना है 2 लाख, दोनों साइड में 2 लाख लिखेंगे, माइनस करेंगे 8,000, तो 1,92,000 का क्या जाएगा सर, लॉस लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र 1,92,000। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कितना दे रखा है, कुछ दे रखा है क्या, नहीं दिया, तो इक्वली पार्टनरशिप डीड बोल दिए क्या, तुमने कर लिया था क्वेश्चन। अच्छा ये वाला भी दिया था, होंगे ये भी दिया था और टेंथ भी दिया था, हो गया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी। डन, इतना कोई भी दिक्कत, अगला क्वेश्चन पढ़ो 11, ये हटा दूँ, ये ना करवाऊँ 10th क्वेश्चन। जनरल एंट्रीज अभी नहीं करना तुम्हें, मैं बताऊँगा कब करना है, वो टेंशन ना लो उस चीज़ की, जनरल एंट्रीज अभी कुछ नहीं करना। हाँ उनको बोलना बैठे रहो बेटा, या फिर सुनो उन्हें अंदर भेज दो। बैठ जाओ जल्दी बैठो, बोलना क्वेश्चन बोलो। 11th है अजय एंड, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। अजय इज नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट्स 20 लाख एज कैपिटल। अजय जो है नॉन वर्किंग पार्टनर यानी कि स्लीपिंग पार्टनर है, कितना कंट्रीब्यूट किया सर, 20 लाख रुपए एज अ कैपिटल। हाँ एज अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म। विजय कौन है, वर्किंग पार्टनर है फर्म का, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल